नमस्कार दोस्तों, आज हम एक फंगस डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसे ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए होंगे, कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर हम फंगस की बात करें तो हमारे डिफरेंट हैबिटेट एरिया में फंगस की डिफरेंट स्पेसिस पाई जाती है। इन डिफरेंट स्पेसिस में पाए जाने के कारण ही फंगस को एक अलग किंगडम यानी फंजाई किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम फंगस की स्टडी की बात करें तो इसकी स्टडी की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था मिकेली। मिकेली ने इनकी स्टडी को माइकोलॉजी नाम दिया। यह स्टडी की शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो थे वे थे डी बड़े ने मॉडर्न स्टडी की शुरुआत की। अगर हम फंगस की बात करेंगे तो ये नॉन क्लोरोफिल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनके शरीर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अतः यह फूड के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म और डेड सब्सटेंस पर डिपेंड रहते हैं। कुछ फंगस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि एल्कोहल बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, फूड की तरह भी इनका यूज किया जाता है। वही अगर हम बात करेंगे तो पेंसिलिन मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन कुछ फंगस विशेष प्रकार के होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का फंगस है और अगर हम इस विशेष प्रकार की फंगस की बात करेंगे तो इसका नाम है म्यूकोरमाइसिस फंगस। ये जो है फंगस, इसको ग्रुप्स ऑफ मोल्ड्स माना जाता है जिसे फफूंद का एक पूरा ग्रुप होता है, जो कि विशेष रूप से पाया जाता है मिट्टी के अंदर या फिर पाया जाता है या विभिन्न प्रकार के सड़ी हुई वस्तुओं के मध्य। नॉर्मली जो फंगस होते हैं वे हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ प्रॉब्लम हो या किसी व्यक्ति को अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो एक लंबे समय से किसी बीमारी के चलते सफर कर रहा है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसे डिफरेंट टाइप्स के एस्ट्रॉयड्स या मेडिसिन दी गई है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को जो इम्यून पावर होती है वो काफ़ी लो हो जाती है। और जब ये फंगस इनहेलेशन के दौरान ये स्पोर्स के माध्यम से बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि पहले ही उसकी इम्यून पावर काफ़ी लो हो चुकी होती है तो ये बहुत जल्दी से अटैक करते हैं। तो ये फंगस जब बॉडी के अंदर अटैक करता है तब ये साइनस के थ्रू सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, वह होता है आँखों पर। इसके साथ साथ ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है, लंग्स के साथ साथ किडनी को भी अफेक्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बैड इफेक्ट है इसका, बैड इफेक्ट रहता है वह रहता है आइज और ब्रेन पे। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये जैसे ही ये फंगस बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके बाद चेहरे की एक तरफ सूजन आनी शुरू हो जाती है, आँखों में रेडनेस हो जाती है, लगातार फीवर आएगी और इसके साथ साथ सिर दर्द रहेगा। ट्रीटमेंट अगर देखी जाए तो इस फंगस का तो सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रोसेस है, या तो कोई एंटी फंगल मेडिसिन दी जाए, अदरवाइज फिर जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसके बॉडी से काट कर अलग कर दिया जाए। जी हाँ, दो ही प्रोसेस है, पहला एंटी फंगल मेडिसिन दिया जाना, अदरवाइज फिर जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसको बॉडी से काट कर अलग कर दिया जाता है, यानी कि उस ऑर्गन की सर्जरी कर दी जाती है। तो इस फंगस के अफेक्टेड से बचाने के लिए केवल हमारे पास दो ही मेथड हैं। सबसे अच्छी कि हम कोशिश करें कि मिट्टी वाले स्थानों पर जहां पर गंदगी है वहां उन स्थानों से दूर रहें, क्योंकि इनहेलेशन से बॉडी में अंदर एंटर करता है
तो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क यूज करें, यही हमारे लिए सबसे अच्छा बचाव है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये आँखों में इफ़ेक्ट कर देता है तो ऑर्गन्स का क्या कर दिया जाना, उनको निकाल दिया जाता है। और भयंकर बात ये है कि इसका जो फर्टिलिटी रेट है और यानी कि फैलने की कारण मृत्यु दर जो है 50% है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी ख़तरनाक फंगस है। इसके केसेस जो कि अब इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपने न्यूज़ में देखा होगा गुजरात और महाराष्ट्र में इसके केसेस आने शुरू हो गए। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी ही पसंद आया होगा। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।